वहाँ क्या खाए? एक 9 साल की कुड़ी थी ते एक 5 साल की, उन्हें ये गले गले निकले बस वो चक्कर बने। दोनों इकट्ठे ही मौत हुई? दोनों इकट्ठी हुई, एक नूदी हुई 9 बजे, एक नूदी 7 बजे। अच्छा, सिर्फ वो गले कोटू बने। अच्छा, तोड़िया तोड़ा के रिश्ता है? मेरी अपने बच्चे हैं। अच्छा, तोड़ी बच्चे हैं? अपने बच्चे। कितनी देर दिए बीमार ही हैं ये जी? 5 दिन। 5 दिन हुए? 5 दिन। तो उठे तुसे कोई चेकअप नहीं करवाया ऊपर जितने तुम्हारे कार ना? ना ना, मोए हॉस्पिटल के नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, कोई उधर हॉस्पिटल नहीं है ना? कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं जी। कोई रोड खराब अगले कोई कुछ नहीं, मतलब गड्डी में दे सकती हैं। कोई डॉक्टर नहीं होते बड़े, कोई कुछ नहीं। वो आखते तो जम्मू ले जाओ जहाँ रेसी ले जाओ, यह प्रॉब्लम था। थोड़ी अद्धे रस्ते पुजाते थोड़ी मरी जाते, यह प्रॉब्लम। दो लड़कियाँ, एक 5 साल की है एक 8 साल की है, दनोड़ गाँव की हैं। तो इनकी कल डेथ हुई है। डीसी साहब ने बोर्ड बनाया है जिसमें हमारे पीडियाट्रिशियन है, फिजिशियन कंसल्टेंट है, हमारा गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट है और कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो उन्होंने आज पोस्टमार्टम किया है इनका। तो अब हम वेट करेंगे जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो भी फाइनल ओपिनियन होगी वो दे दी जाएगी। ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी तो कोई भी ओपिनियन बनाना ठीक नहीं होगा। बट फिर भी मैं आपके माध्यम से रियासी की जनता को ये अपील करूंगा कि अपने बच्चों को इम्यूनाइजेशन पूरी करवाएं। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं, PHCs हैं, CHCs हैं, और हर बच्चे को जो टीके हैं 9 बीमारियों के वो लगवाएँ, ताकि कोई बच्चा इन 9 बीमारियों से आज की डेट में किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए। सर, आपको लगता है कि उन्हीं 9 बीमारियों में से एक बीमारी इन्हीं बच्चियों को लगी हो? पोस्टमार्टम की जो विसरा की रिपोर्ट है, जब तक वो नहीं आती तो हमें वेट करना चाहिए।